नोटिफिकेशन के बारे में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है फ्रेशर्स के लिए। इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं क्या रोल के लिए यहाँ पे हायरिंग हो रही है, कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। साथ में आप लोग को मैं एक रेज्यूमे टिप्स भी देने वाली हूँ जो कि आप लोगों को हेल्प होगी आपके रेज्यूमे में कौन से कीवर्ड्स आप लोगों को एड करने हैं एट द टाइम ऑफ आप जब भी आपका रेज्यूमे सबमिट करोगे जो भी जॉब एप्लीकेशन के लिए। तो उसके लिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और अगर चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन। तो चलो बात करते हैं आज की अपनी पहली जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आई हुई DXC टेक्नोलॉजी कंपनी के तरफ से। तो यहाँ पे हायरिंग कर रहे एसोसिएट प्रोफेशनल एप्लीकेशन डिलीवरी के लिए, लोकेशन यहाँ पे बैंगलुरु रहने वाली है। अब बात करते हैं यहाँ पे कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है। तो बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देन यहाँ पे बैचलर डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए उन लोगों को, इंजीनियरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम और रिलेटेड फील्ड प्रीफर्ड कर रहे हैं वो लोग। 0 or more year ऑफ यहाँ पे आप लोगों का सपोर्ट सर्विस और प्रोजेक्ट होना चाहिए, एक्सपीरियंस रहना चाहिए। देन यहाँ पे एक्सपीरियंस वर्किंग विद द टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, एक्सपीरियंस वर्किंग विद द कंपनी प्रोडक्ट एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। अदर क्वालिफिकेशन की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे आप लोगों को इंसिडेंट मैनेजमेंट पता रहना चाहिए, चेन मैनेजमेंट पता रहना चाहिए, सर्विस रिक्वेस्ट पता रहना चाहिए आप लोगों को, एस्कलेशन मैनेजमेंट कैसे करते हैं वो आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। देन यहाँ पे आप लोगों को 24/7 सपोर्ट का काम रहने वाला है। देन AWS पता रहना चाहिए, AWS का नॉलेज होना चाहिए, SQL, विंडो सर्वर, पाइथन अगर आप लोगों को ये पता है तो यहाँ पे आप लोगों का एडवांटेज माना जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वाली जॉब के लिए अप्लाई करना है तो आपके रिज्यूमे में यहाँ पे क्या क्या रहने चाहिए, तो यहाँ पे आप लोगों को अगर इंसिडेंट मैनेजमेंट INC का नॉलेज होगा तो आप लोग वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आप लोगों को चेन मैनेजमेंट का पता होगा तो आप लोग वो डाल सकते हो। देन यहाँ पे आप लोगों को कोई भी लैंग्वेज आती है SQL, देन पाइथन, विंडो सर्विस आप लोगों को उसका नॉलेज है तो यहाँ पे आप लोगों का एडवांटेज माना जाएगा। तो आप लोगों को रिज्यूमे में ये सब चीजें ऐड करनी है अगर आप लोगों को पता है तो। देन AWS का नॉलेज है क्लाउड का तो यहाँ पे वो भी आप लोग ऐड कर सकते हो। तो अगर ये सब चीजें आप लोग ऐड करोगे तो आपका रिज्यूमे जल्दी से जल्दी सेलेक्ट होएगा। ओके, और ये जो वर्क एनवायरनमेंट यहाँ पे रहने वाला है ये वर्चुअल ऑफिस रहने वाला है, तो ऑफिस में जाके आप लोगों को वर्क करना है। अगर आप लोगों को ये वाली कंपनी में अप्लाई करना है तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का बटन गिवन है उस पर क्लिक करना है। देन आपकी पूरी डिटेल फिलअप करनी है और आप लोग ये वाली कंपनी में अप्लाई हो जाओगे। तो ये थी आज की अपनी फर्स्ट लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो कि थी DXC टेक्नोलॉजी कंपनी की तरफ से। अब बात करते हैं अपनी सेकेंड जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आई वी एनालिस्ट रोल के लिए यहाँ पे हायरिंग कर रहे हैं। मिनिमम यहाँ पे बैचलर डिग्री फ्रॉम रेपुटेबल यूनिवर्सिटी विद 0 to 1 year ऑफ एक्सपीरियंस चाहिए। मीन्स यहाँ पे फ्रेशर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और जिसके पास में 1 year का एक्सपीरियंस है वो भी यहाँ पे एलिजिबल है। देन यहाँ पे आप लोगों को अटेंशन टू डिटेल, एस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग यहाँ पे क्वालिटी स्टैंडर्ड्स रहने चाहिए आप लोग के। आप लोग के पास में एक्सेलेंट कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, इंटरपर्सनल प्रेजेंटेशन स्किल होनी चाहिए। देन यहाँ पे आप लोग के पास में एक्सेलेंट एनालिटिकल स्किल, प्रॉब्लम सॉल्विंग, सेल्फ मोटिवेटेड रहने चाहिए आप लोग। ओके, देन यहाँ पे आप लोग के पास में गुड टीम वर्किंग आप लोग स्किल रहनी चाहिए, टीम में आप लोग को वर्क करते आना चाहिए। ओके, अंडर प्रेशर आप लोग वर्क कर सकते हैं वैसी आपके पास में स्किल होनी चाहिए। एबिलिटी टू अडैप्ट टू चेंज, यहाँ पे प्रीफर्ड टू स्किल की बात करें तो इंटीग्रिटी गिवन है, देन ड्राइविंग रिजल्ट है, फिर उसके बाद में अकाउंटेबिलिटी है। ओके, अगर आप लोगों को ये वाली कंपनी में अप्लाई करना है तो इसके लिए आप लोगों को रेज्यूमे में आपके कम्युनिकेशन स्किल, इंटरपर्सनल स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल ये आप लोगों को ऐड करनी पड़ेंगी। देन यहाँ पे आप लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल भी आप लोगों को आती है, अंडर प्रेशर भी आप लोग वर्क कर सकते हैं, ऐसा आप लोगों को आपके रेज्यूमे में ऐड करना है। ओके, अगर आप लोगों को ये वाली कंपनी में अप्लाई करना है तो अप्लाई के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का बटन गिवन है उस पर क्लिक करना है। देन आपकी पूरी डिटेल फिलअप करनी है और आप लोग ये वाली कंपनी में अप्लाई हो जाओगे। तो ये थी आज की अपनी सेकेंड जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। अब चलते अपनी थर्ड जॉब नोटिफिकेशन पे, बट उससे पहले मैं आप लोगों को काफी अच्छी अपडेट दे देती हूँ। अगर आप लोगों को 5 to 40 lakh पर तक का पैकेज चाहिए होगा या फिर आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपर बनना है वो भी बिना किसी फीस के, यहाँ पे गारंटी CTC के साथ में आप लोगों को प्लेस किया जाएगा टॉप MNC कंपनी में, उसके लिए आप लोगों को न्यूटन स्कूल की वेबसाइट चेकआउट करनी पड़ेगी। लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप लोग वहां से भी जाके चेकआउट कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो।
अब चलते हैं अपनी थर्ड जॉब नोटिफिकेशन पे, जो कि आईवी है फ्रेशर ग्रेजुएट के लिए। हिटाची कंपनी की तरफ से है, काफी अच्छी कंपनी है। तो यहाँ पे हायरिंग कर रहे हैं फ्रेशर्स ग्रेजुएट के लिए ऑफ कैंपस है, बीई बीटेक 2022 पास आउट के लिए। देन यहाँ पे अब बात करते हैं क्या क्या यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है। तो यहाँ पे बीटेक इन कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में आप लोग को 70% मिनिमम चाहिए, मतलब यहाँ पे आप लोगों का क्राइटेरिया रहने वाला है 70% का। स्ट्रॉन्ग डोमेन नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, अ टैलेंट फॉर कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। देन यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल आप लोग की अच्छी होनी चाहिए, प्रेजेंटेशन स्किल भी आप लोग को अच्छी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल रहना चाहिए, प्रोएक्टिव अप्रोच रहना चाहिए आप लोगों का। देन यहाँ पे द एबिलिटी टू वर्क एज अ पार्ट ऑफ टीम, यहाँ पे आप लोग को टीम में वर्क करना है। अगर आप लोग को ये वाली कंपनी में अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप लोगों को आपके रेज्यूमे में यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल डालनी है। देन यहाँ पे आप लोगों को कोई भी आपको जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है आप लोगों को वो ऐड करना है यहाँ पे। अगर आप लोगों को पाइथन आता है तो आप पाइथन ऐड कर सकते हो। आपने कोई प्रोजेक्ट किया है पाइथन में या फिर जावा में, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो आप लोग वो भी ऐड कर सकते हो, सो दैट आपका रेज्यूमे यहाँ पे थोड़ा वेटेज दिखेगा। तो यहाँ पे ये आप लोग को ये रेज्यूमे में ऐड करना है और यहाँ पे अप्लाई करना है। अप्लाई के लिए यहाँ पे अप्लाई का बटन गिवन है, उस पर क्लिक कीजिए और आपकी पूरी डिटेल फिलअप कीजिए और आप लोग ये वाली कंपनी में अप्लाई हो जाओगे। तो ये थी आज की अपनी थ्री लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन के बारे में। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया तो लाइक और अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।